हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्लॉक का लेक्चर नंबर 2 है ये आपके लिए, ठीक है। पहले वाले लेक्चर में हमने क्लॉक के बात की थी अंश दूरी की, कि किसी भी सुई के द्वारा कितनी दूरी कितने समय में चली जाती है, ये बात हमने पहले वाले लेक्चर में की थी। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, कोई जब हमको समय दिया गया होगा उस समय के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे घड़ी में जब एग्जांपल के तौर पे मैंने पूछा 7:20 होंगे, कितने होंगे भाई 7:20। जब 7:20 हो रहे होंगे तो दोनों सुइयों के बीच, यानी कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज इस सेशन को। चलिए देखिए, पहले हम पूरा डिटेल में जानेंगे चीजों को। तो डिटेल में क्या है, जैसे कि पिछली वीडियो में जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है क्लॉक का, लेक्चर 1 नहीं देखा है, वो लेक्चर 1 जरूर देख लें, तभी ये बेटर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, हमने पिछले वाले लेक्चर में ये देखा कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री कवर करती है। कितनी दूरी तय करती है भाई, 1 मिनट में 1/2 डिग्री। और अगर हम बात करें 1 घंटे में कितनी डिग्री कवर करती है, 1 घंटे में डिस्टेंस ट्रैवल करती है 30 डिग्री। ये तो बात थी घंटे वाली सुई की। और अगर हम कंपैरिजन में बात करें मिनट वाली सुई की, तो भाई मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है और 1 घंटे में 360 डिग्री कवर करती है। ये बातें हमने लास्ट लेक्चर में सीख ली थी, तो ये बातें आपको याद रखनी है और इन्हीं से हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, जो भी हम एंगल निकालेंगे वो बिना फॉर्मूले के निकालेंगे। और धीरे धीरे आप देखिएगा, जैसे हम 1-2 क्वेश्चन करने के लगेंगे, आप क्वेश्चंस को ओरल सॉल्व करने लगेंगे। मैं आपको ऐसी अप्रोच दूंगा कि मैं आपको कोई समय दूंगा और आप तुरंत देखते ही बता दोगे सर इतने डिग्री का कोण बनेगा। चलिए देखिए शुरू करते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए और आगे हम हेडिंग डाल रहे हैं आज की, एंगल बिटवीन दी हैंड्स, सुइयों के बीच का कोण। जब आपको एक समय दिया जाता है, आइए समझते हैं इसे। सपोज करिए कि मैंने एक समय ले लिया, जैसे मैंने आपसे कहा 2 बज रहे हैं, अभी कितने बज रहे हैं 2। जब घड़ी में 2 बजते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, तो बिना किसी देरी के आइए चलिए देखते हैं घड़ी को। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आप जानते हैं कि इस घड़ी में ये जो पार्ट होते हैं 12 और 1 के बीच, ये जो डिस्टेंस है ये 30 डिग्री का डिस्टेंस है। और ये भी कितने डिग्री का डिस्टेंस है, 30 डिग्री का है। और आप ये भी जानते हैं कि अगर यहाँ घंटे वाली सुई होती है और यहाँ से यहाँ घंटे वाली सुई पहुंचे तो 30 डिग्री कवर करती है 1 घंटे के अंदर। और अगर बात करें मिनट वाली सुई की, तो अगर मैं मिनट वाली सुई की बात करूँ, लेट सपोज ये मिनट वाली सुई है 12 पर, तो मिनट वाली सुई अगर 12 पर है तो उसे 1 पर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। मिनट वाली सुई है, 1 पर पहुंचेगी, दैट मीन्स उसे 5 मिनट लगने वाले हैं। तो मिनट वाली सुई 5 मिनट में दूरी जो तय करती है वो 30 डिग्री होती है। कितने डिग्री होती है, 30 डिग्री होती है। ये 5 मिनट का गैप होता है, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। कितने मिनट का गैप होता है, 5 मिनट का गैप होता है। तो इन 5 मिनट में 30 डिग्री कवर करती है, तो भाई 1 मिनट में कितना कवर करेगी, 1 मिनट में कवर करेगी 6 डिग्री। 5 से काट दो, 5 6 30, 1 मिनट में कितना कवर कर रही है, 6। यानी कि अगर मिनट वाली सुई यहां से 1 मिनट आगे डिफ्लेक्ट हो जाए, आगे बढ़ जाए, 12 पर है मिनट वाली सुई, अभी 12 पर है, अगर यहां से 1 मिनट आगे बढ़ जाएगी तो इसका मतलब वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 6 डिग्री कवर कर लेगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कवर कर लेगी। और अगर घंटे वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ती है तो इसका मतलब वो 0.5 डिग्री कवर करती है। इतनी बात आप जान लीजिए, बहुत ही बेसिक बातें हैं और इसी से हमारे सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए मैं आपको अप्रोच नंबर 1 देता हूं अभी फिलहाल, इसको कर देते हैं हम यहां से। अभी मैंने लिखा है 2 बज रहे हैं घड़ी में, कितने बज रहे हैं भी, 2। करेक्ट 2 बजाते हैं, देखिए करेक्ट
इस समय घड़ी को ध्यान से देखिए और घड़ी में 2 बज रहे हैं और पूछा है कि दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का एंगल पता करना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा 30 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना होगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब जब घड़ी में एग्जैक्ट 2 बजे हैं तो दोनों सुइयों के बीच जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है आपका 60 डिग्री का, 30 और 30 60 डिग्री का। ठीक, तो हमने कहा कि जब घड़ी में 2 बज रहे हैं तो जो कोण है हमने नाम दिया थीटा 1, ये बन रहा है 60 डिग्री का। ये तो एक कोण हो गया 60 डिग्री का। अगर हम बात करें तो ये भी तो सुइयों के बीच का कोण हो सकता है बाहर की तरफ से। ठीक, तो ये कोण कितना होगा, ओवरऑल पूरा जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर 60 निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 300 डिग्री बचेगा। तो इसका मतलब थीटा 2 जो होगा वो कितना डिग्री होगा भाई, 300 डिग्री होगा। थीटा 2 कितना होगा, 300 डिग्री होगा। जिस कोण का मान 180 डिग्री से कम आ जाए उस कोण को हम कहेंगे आंतरिक कोण। क्या कहेंगे, आंतरिक कोण। इंटरनल एंगल। और जिस कोण का मान 180 से ज्यादा आ जाए उसे कहेंगे बाह्य कोण। यानी कि जो कोण बाहर की तरफ से बनता है, यानी कि इसका मान होगा 180 डिग्री से ज्यादा और इसे कहेंगे हम एक्सटर्नल एंगल। इस पॉइंट को बताने का मोटिव यह है कि जब आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि करेक्ट 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा तो आप कहोगे कि 60 डिग्री भी बन सकता है और 300 भी बन सकता है। अगर आपसे ये पूछे कि ठीक 2 बजे घड़ी में घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच आंतरिक कोण कितना होगा, तो आंतरिक का मतलब है छोटा वाला एंगल आपसे पूछना चाह रहा है जिसकी मान 180 डिग्री से कम है। और जब आपसे बाह्य कोण के बारे में पूछेगा तो आप उस एंगल का जिक्र करेंगे जिसका मान 180 डिग्री से ज्यादा है। बात क्लियर है सभी को, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार निगाह डाल लीजिए। तो ये तो बेसिक सी बात थी। अब आइए किसी भी टाइम को ऑब्जर्व कर लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि 3 बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं 3, तो देखो 3 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा। यहां तक 60 था तो 30 और इंक्लूड हो गया। 3 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। फिर मैंने कहा 4 बजे कितने डिग्री का बनेगा, ये एग्जैक्ट टाइम ले रहे हैं हम लोग। 4 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, अभी 4 बजे कोण बनेगा आपका 120 डिग्री का। फिर 5 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 और बढ़ गया 150 डिग्री का। फिर 6 बजे कितने डिग्री का बनेगा, 6 बजे कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ऐसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 11 बजे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 11 बजे कितने डिग्री कोण बनेगा भाई, 30 डिग्री का। और 1 बजे कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का कोण बनेगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही बेसिक बातें हैं। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए समय, ध्यान रखिए, जैसे सपोज करिए कि दोनों सुइयां 12 पर हैं, सपोज करिए कि दोनों सुइयां 12 पर हैं, 12 पर हैं दोनों सुइयां, मैं घड़ी से ऐसे ही बना के दिखा रहा हूं, दोनों सुइयां 12 पर हैं। अगर मिनट वाली सुई चलना स्टार्ट करेगी तो क्या केवल ऐसा होगा कि मिनट वाली सुई ही चलती रहेगी, नहीं ना। अगर मिनट वाली सुई यहां से 5 मिनट आगे बढ़ती है, 5 मिनट आगे बढ़ती है, दैट मीन्स घंटे वाली सुई भी 5 मिनट आगे बढ़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि टाइम दोनों सुइयों द्वारा इक्वल ट्रेवल किया जाता है। टाइम जो है वो दोनों सुइयों के द्वारा इक्वल ट्रेवल किया जाता है, बस फर्क इतना है कि दोनों की चाल यानी कि स्पीड अलग अलग है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है। सिर्फ स्पीड में फर्क है, अदरवाइज टाइम दोनों इक्वल ट्रेवल करेंगी, ध्यान रहेगा। चलिए आइए देखिए, पिछली वाली वीडियो में जो मैंने बताया उसी को ध्यान में रखना है और हम पहला सवाल ले रहे हैं। पहला सवाल मैंने आपसे लिया
किया, पहला सवाल मैंने ले लिया आपसे 3:20 का। जब घड़ी में 3:20 होंगे, देखो पहले मैं दे रहा हूं आपको अप्रोच नंबर 1 डिटेल में कैलकुलेटिव तरीका, फिर हम करेंगे और छोटा, उसको छोटा करते चले जाएंगे। जब घड़ी में 3:20 हो रहे होंगे तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। आप सपोज करिए, मैं आपको सिखाता हूं ऐसे कि जब घड़ी में 3 होंगे तो ये सुइयों की स्थिति होगी, यहां 12 होगा, यहां 1 होगा, यहां 2 और यहां 3, यहां 4। अब बजाने कितने हैं, 3:20 बजाने का मतलब है कि मिनट वाली सुई 12 से उठ के 4 पे जाएगी, तो कितना ट्रैवल करेगी, 20 मिनट। इसका मतलब घंटे वाली सुई भी 20 मिनट ट्रैवल करेगी, टाइम इक्वल ट्रैवल किया जाता है। अगर हम पिछले वाले सुइयों की बात करें, पिछले वाले वीडियो के आधार पर बात करें, तो हम ऐसा सपोज कर लेते हैं, ऐसा सपोज कर लेते हैं कि दोनों सुइयां फिलहाल 12 पर हैं। बेस मान लिया हमने इनका, बेस आधार मान लिया है कि दोनों सुइयां कहां पर हैं, 12 पर हैं। अगर दोनों सुइयां 12 पर हैं और मुझे बजाने हैं 3:20, तो इसका मतलब ये होगा कि बात करेंगे घंटे वाली सुई की और बात करेंगे मिनट वाली सुई की। तो घंटे वाली सुई को ट्रैवल करना पड़ेगा 3:20, 3:20 और मिनट वाली सुई को ट्रैवल करना पड़ेगा ओनली 20 मिनट। अब आपके सामने यहां दो सवाल बन गए हैं, एक सवाल तो यह बन गया है कि मिनट वाली सुई 20 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी, कितनी दूरी तय करेगी, और एक सवाल बन गया है घंटे वाली सुई 3:20 में कितनी दूरी तय करेगी। तो भाई 3:20 में कितनी दूरी तय करेगी, आप जानते हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में ट्रैवल करती है। मैं आपको दिखा दूं पीछे ले जाके, पीछे मैंने आपको नोट कराया था, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री। तो इसी हिसाब से हम क्वेश्चन को करते हैं, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, 3 घंटे में कितना ट्रैवल करेगी, 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रैवल करती है। तो 3 घंटे में कितना हो गया भाई, 3 घंटे में 90 डिग्री ट्रैवल किया, और 10-20 मिनट में 1 मिनट में आधा डिग्री ट्रैवल करती है, तो 20 मिनट में कितना ट्रैवल किया, 20 मिनट में ट्रैवल किया 10 डिग्री। तो टोटल कितना ट्रैवल किया इसने, हमने बेस माना था 12 से, और 12 से दोनों ही सुइयों को एक साथ स्टार्ट किया, तो 12 से चलने के बाद घंटे वाली सुई ने 100 डिग्री दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी, 100 डिग्री। वहीं 12 से स्टार्ट हुई मिनट वाली सुई 20 मिनट ट्रैवल करी, और 20 मिनट में 1 मिनट में ट्रैवल करती है 6 डिग्री, तो 20 × 6 कर दो, इसने ट्रैवल किया 120 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि 1.12 था, 12 से दोनों सुइयों ने एक साथ चलना स्टार्ट किया, और यहां से मिनट वाली सुई ने जो दूरी तय करी वो तय करी 120 डिग्री, और घंटे वाली सुई ने जो दूरी तय करी वो करी 100 डिग्री। आई रिपीट, 12 पर दोनों सुइयां थी, घंटे वाली सुई ने दूरी तय करी, सॉरी मिनट वाली सुई ने दूरी तय करी 120 डिग्री, और घंटे वाली सुई ने दूरी तय करी 100 डिग्री। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी बची, हमें निकालना है एंगल। तो एंगल निकालने के लिए जो भी बड़ी वैल्यू आए, बड़ी वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को घटा दो, तो 120 डिग्री बड़ी वैल्यू है माइनस छोटी वाली है 100 डिग्री, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 20 डिग्री। कितना आंसर आ गया हमारा, 20 डिग्री। कितना आंसर हमारा आ गया, 20 डिग्री। यानी कि जब घड़ी में 3:20 हो रहे होंगे तो 20 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच। अच्छा, ये एंगल तो हम कह सकते हैं ये आंतरिक कोण है, अगर हमें इसे θ1 मान लिया जाए तो θ2 का मान क्या होगा, 360 में से θ2 घटा दो, θ1 घटा दो, 20 डिग्री। यानी कि दूसरा बाह्य कोण जो आएगा उसका मान होगा 340 डिग्री। आंसर, बात क्लियर है भाई सभी को, कोई दिक्कत। ये कहानी बिल्कुल ऐसे है, रेस में दो दौड़ते हुए लोग जिन्हें एक ही लाइन से दौड़ाया जाता है आगे की तरफ, जब वो दौड़ना शुरू करते हैं तो एक समय दोनों को बराबर दे दिया गया, भाई 2 मिनट तुमको दौड़ना है, 2 मिनट तुमको दौड़ना है। अब वो दौड़ रहे हैं जा रहे हैं, दौड़ते हुए जा रहे हैं, तो उनकी स्पीड अलग अलग है, तो उनकी बीच की दूरी निकालनी हो तो जिसने ज्यादा भागा और जिसने कम भागा, ज्यादा वाले में से कम को घटा देंगे और दोनों के बीच की दूरी निकल के हमारे सामने आ जाएगी। ये कहानी बिल्कुल ऐसी ही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए आइए बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया आपके सामने क्वेश्चन नंबर दो और मैंने क्वेश्चन लिया 4:30, कितना सवाल लिया मैंने 4:30, तो बिना किसी देरी के यहां पर लिख लिया आप H और यहां लिखिए M, ये है M की मान और ये है H का मान, घंटे वाली सुई चलेगी 4 घंटे + 30 मिनट, घंटे वाली सुई चलेगी 4 घंटे + 30 मिनट और मिनट वाली सुई कितना ट्रेवल करेगी ओनली 30 मिनट्स, 30 मिनट। इनका बेस क्या है, बेस आप जानते ना, ये जो मेथड है इसमें मान लिया गया है कि दोनों सुइयां फिलहाल अभी 12 पर हैं और 12 से हमें 4:30 बजाने तक ले जाना है, तो घंटे वाली सुई को 4 घंटे 30 मिनट ट्रैवल करना पड़ेगा और मिनट वाली सुई को 30 मिनट, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना हो गया भाई, 4 × 30 कर लो 120 डिग्री और 30 मिनट में 15 डिग्री, तो टोटल कितना ट्रैवल किया इसने, टोटल कितना ट्रैवल किया 135 डिग्री। आई रिपीट, 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना हो गया 3×12 = 120 डिग्री और 1 मिनट में 0.5 डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री, तो 135 डिग्री ट्रैवल किया किसने, घंटे वाली सुई ने। मिनट वाली सुई को 6 से गुणा कर दो, इसने ट्रैवल किया 180 डिग्री। तो बड़े मान में से थीटा आपको निकालना है, जिसने ज़्यादा चला है, जिसने ज़्यादा चला है उसमें से कम वाले को घटा दो, 180 - 135 डिग्री करोगे और ये घटाने के बाद आएगा 45, तो 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, रिव्यू कर लीजिए आप लोग एक बार, देख लीजिए जरा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने, तीसरा सवाल। मान लीजिए आपको दे दिया 10:10 का समय, कितना समय दिया गया 10:10 का समय, तो इधर लिखिए एच, इधर लिखिए एम, इधर कार्य करेंगे घंटे वाली सुई के लिए, यानी कि जो समय घंटे वाली सुई को चलना है, उधर कार्य करेंगे मिनट वाली सुई के लिए, जो समय मिनट वाली सुई को चलना है, तो ये मान है मिनट का और ये मान है घंटे वाली सुई का। घंटे वाली सुई को कितना चलना है, 10 घंटे 10 मिनट, 10 घंटे + 10 मिनट और मिनट वाली सुई को चलना है केवल 10 मिनट, तो 10 मिनट में कितना ट्रैवल करेगी भी घंटे वाली मिनट वाली सुई, इंटू 6 कर दो, कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री कवर किया किसने, मिनट वाली सुई ने। वहीं आते हैं घंटे वाली सुई पर, 10 घंटे में 300 डिग्री ट्रैवल करेगी क्योंकि 1 घंटे में 30 डिग्री ट्रैवल करती है और 10 मिनट में 5 डिग्री, तो टोटल आ गया 305 डिग्री। इसने ट्रैवल किया 305 डिग्री और इसने ट्रैवल किया 60 डिग्री, तो 305 में से 60 डिग्री घटा दो, आंसर कितना आएगा भाई, अगर मैं 300 में से 60 घटा देता तो आंसर आता 240, लेकिन ये आंसर आया 245 डिग्री। एक आंसर, अगर मैं इसको थीटा 1 मान लूं या थीटा 2 मान लूं, तो एक ये इस कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये बाह्य कोण होगा, तो दूसरा कोण कौन सा मिलेगा, 360 में से घटा दो, 360 में से 245 घटा दो, कितना आएगा भी निकल के, ये आएगा आपका 115 डिग्री आंसर। क्लियर है सबको, क्लियर है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, बताते रहें कि वीडियोस कैसी लग रही हैं आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए देखिए, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना, एंगल जो निकाल रहे हैं वो पूरे प्रोसेस से निकाल रहे हैं, मैं आपको ऐसी अप्रोच दूंगा कि आप सवाल को देखते ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वो भी अप्रोच आपके सामने आएगी, लेकिन बेसिक्स को जानना बहुत जरूरी है, आपको बेसिक्स नहीं आता ना तो बहुत दिक्कत होती है। चलिए मान लीजिए एक सवाल लेते हैं, सवाल नंबर 4 हमारे सामने आ रहा है, 4 नंबरिंग में भूल गया, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 4, मैंने कहा 5:15, कितना समय भाई, 5:15 जब घड़ी में हो रहे हैं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो देखिए आइए, ये घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई को, मिनट वाली सुई को 15 मिनट ट्रैवल करना है, तो पहले इसको ही सॉल्व कर लो, 15 × 6 कर लो, कितना आ गया 90 डिग्री। स्पीड बढ़ा सकते हैं हम लोग अपनी, ठीक है, 2-3 सवाल हो गए, स्पीड बढ़ा सकते हैं, 15 × 6 90 डिग्री आ
दिया गया। और घंटे वाली स्विंग कितना चलेगी, घंटे वाली स्विंग चलेगी 5 घंटे 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट। जिन लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है वो देख लें, तभी बातें और क्लियर हो जाएंगी आपके। तो मेरा सवाल है कि घंटे वाली स्विंग 5 घंटे 15 मिनट में कितना ट्रैवल करती है, तो भाई 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 5 घंटे में 30 पंजे 5 या 15 150 डिग्री और 15 मिनट में 7.5 डिग्री। ठीक है, ये आंसर बना आपके सामने 157.5 डिग्री घंटे वाली सुई ने ट्रैवल किया और 90 डिग्री मिनट वाली सुई ने ट्रैवल किया। थीटा आपको निकालना था तो 157.5 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस कर दो। कितना डिग्री माइनस कर दो भाई, 90 डिग्री माइनस कर दो। अगर किसी को दिक्कत है कि इसमें से माइनस नहीं हो रहा है तो आप 150 में से डायरेक्टली 90 डिग्री माइनस करें, तो 90 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना, 150 में से 90 निकालो कितना बचेगा, 60 डिग्री, और ये 7.5 जोड़ दो, तो यानी कि आंसर कितना आया, 67.5 डिग्री आंसर, 67.5 डिग्री आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है भाई सभी को चीजें, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो भाई, क्वेश्चन करने की स्पीड बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मान लीजिए आपको दे दिया 4:40, 4:40 का समय आपको दे दिया गया है, तो घंटे वाली सुई इधर कितना चलेगी भाई, 4 घंटे + 40 मिनट ट्रैवल करेगी 12 से 12 है अभी हमारा। मिनट वाली सुई कितना ट्रैवल करेगी, मिनट वाली सुई 40 मिनट ट्रैवल करेगी, तो 40 × 6 कितना आ गया, 240 डिग्री आ गया इसका। और 4 घंटे में कितना आएगा भाई, 3×12 120 डिग्री आ जाएगा घंटे वाली सुई का, और 40 मिनट में 20 डिग्री फिर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 140 डिग्री। और अब हमें निकालना है थीटा, तो भाई 240 में से 140 निकाल दो, 240 में से 140 निकाल दो, कितना बचेगा आंसर, ये 100 डिग्री। कुछ गलत हो गया क्या, सही है, 100 डिग्री। कितना आया, 100 डिग्री आंसर, कितना आया, 100 डिग्री। 240 में से 100 डिग्री निकाल दो, कितना बचा, 100 डिग्री। एक तो 100 डिग्री आ गया, तो दूसरा कितना आएगा, 360 में से 100 डिग्री घटा दो, तो दूसरा आंसर कितना मिलेगा, 260 डिग्री आंसर। क्लियर है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। लाइक सपोज आपको टाइम दे दिया गया है, जैसे आपको टाइम दिया गया, सवाल नंबर 6, आपको दे दिया 1:08 दे दिया, 1:08 आपको दे दिए गए हैं, तो घंटे वाली सुई 1 घंटा + 8 मिनट, मिनट वाली सुई ओनली 8 मिनट, 8 × 6 = 48 डिग्री, मिनट वाली सुई ने कितना ट्रैवल किया 8 मिनट में, 48 डिग्री, और ये 30 डिग्री करेगी 1 घंटे में और 8 मिनट में 4 डिग्री, तो टोटल 34 डिग्री आंसर निकालिए। थीटा बराबर 48 डिग्री - 34 डिग्री, कितना आंसर आया भाई, 48 में से 34 घटा दीजिए, 6 और 8 = 14, कितना आंसर बना, 14 डिग्री आंसर बना इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, सब लोग बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मान लीजिए आपको दे दिया इन्होंने 3:35 दे दिया, कितना दे दिया भाई, 3:35 दे दिया, तो क्या करेंगे हम लोग, 3:35 पर घंटे वाली सुई कितना ट्रेवल करेगी, 3 घंटे, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई, 3 घंटे 35 मिनट, 3 घंटे + 35 मिनट, 35 मिनट, और मिनट वाली सुई कितना ट्रैवल करेगी भाई, 35 मिनट, तो 35 × 6 कर दो, 35 × 6 कर दो, कितना आएगा, 35 × 6 करोगे तो भाई 3×6 = 18, 180, 5×6 = 30, यानी कि 210 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210 डिग्री, इधर आ जाइए, 3 घंटे में कितना, 90 डिग्री, और 35 मिनट में आधा कर दो, 17.5 डिग्री। ठीक है, तो ये निकल के आपके पास कितना आएगा भाई, 90 और 17 107.5 डिग्री। ठीक है, थीटा निकालना है, निकाल लीजिए। निकालिए जरा कैलकुलेट करके, क्या करेंगे आप, 210 डिग्री में से कितना माइनस कर देंगे, 107.5 डिग्री माइनस कर देंगे। कितना माइनस कर देंगे भाई, 107.5 माइनस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कितना माइनस कर लीजिए भाई, 100 माइनस कर लीजिए, बताइए जरा कैलकुलेट करके।
ओ सॉरी, 90 प्लस 17 था ना, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ सही तो है, 107 ही आएगा, 107 ही आएगा। तो कितना आंसर आ रहा है अभी बताइए, कितना आया? ये आएगा आपका, कितना आ जाएगा भाई? अगर हम 10 घटा लें, अगर हम सीधा सीधा 108 घटा लें तो 102 आएगा, और आधा और माइनस कर दो, यानी कि 102 एंड हाफ डिग्री उत्तर। कितना आंसर आएगा अभी? 102। देख लीजिए आप, 107 को अगर आप 102 से जोड़ोगे तो कितना आएगा? 209, और हाफ का खेल है तो हाफ और नौ, ये आ गया आपके पास 210। 102 एंड हाफ डिग्री आंसर, 102 एंड हाफ डिग्री आंसर। बात क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें किसी को? बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आठ देखिए जरा क्या है। मान लीजिए मैंने कहा 2:18, कितना कहा मैंने आपसे? 2:18। तो घंटे वाली सुई लीजिए, 2 घंटे प्लस 18 मिनट, 2 घंटे प्लस 18 मिनट, और मिनट वाली सुई लीजिए तो मिनट वाली सुई आएगी आपकी ओनली 18 मिनट। तो 18 इंटू 6 कर दो, कितना आएगा? और यहां से 2 घंटे, 2 घंटे में कितना भाई? 60 डिग्री, 18 मिनट में 9 डिग्री, तो ये कितना आ गया? 69 डिग्री। घंटे वाली सुई ट्रेवल करेगी 69 डिग्री, और ये कितना ट्रेवल करेगी देख लो? 108 डिग्री। कितना ट्रेवल करेगी? 108 डिग्री ट्रेवल करेगी। ठीक है, क्लियर है? 18 6 108 डिग्री ट्रेवल करेगी। तो थीटा निकालना है, 108 डिग्री में से 69 डिग्री ट्रेवल कर दो, 69 से आगे बढ़ोगे 108 की तरफ, तो 31 और 8 39 डिग्री आंसर आपका आ जाएगा। 39 डिग्री आंसर कितना आ जाएगा भाई? 39 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? सभी के समझ में आ रही है चीज़ें? बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो अप्रोच थी एक जो मैंने आपको दी, जिसमें हमें पूरी तरीके से कर रहे थे काम। अब मैं आपको इसे शॉर्ट अप्रोच दे रहा हूँ। सपोज करिए क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए आपको 2:20 दिए, तो आप क्वेश्चन को ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते थे। देखिए, जब घड़ी में 2:20 हो रहे हैं तो सुइयों की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है वो आपको बनानी है, और आपने बना ली तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। 2:20 का मतलब है कि अगर मैं करेक्ट 2 बजे की बात करूं तो करेक्ट 2 बजे ऐसे होंगे जब एंगल 60 डिग्री का होगा, लेकिन मुझे बजाने 2:20। 2:20 बजाने का मतलब है कि मिनट वाली सुई को कितना ट्रैवल करना है? 20 मिनट ट्रैवल करना है। कितना ट्रैवल करना है? 20 मिनट। तो भाई 20 मिनट ट्रैवल करना है तो ये 20 मिनट इसको आगे ले जाओ, 20 मिनट इसको आगे ले जाओगे चला के, तो ये सुई कहां पहुंचेगी? 4 पे। लेकिन क्या तब तक घंटे वाली सुई यहीं पर रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर मिनट वाली सुई 20 मिनट में यहां से यहां पहुंची है ना, तो घंटे वाली सुई भी 20 मिनट चलेगी। अब मुझे बताओ कि घंटे वाली सुई को अगर 20 मिनट ट्रैवल करवाना है तो कितना डिग्री ट्रैवल करेगी? 10 डिग्री ट्रैवल करेगी भाई। कितना ट्रैवल करेगी? 10 डिग्री ट्रैवल करेगी। तो यहां से घंटे वाली सुई को 10 डिग्री आगे बढ़ा दो, और यहां आ गई घंटे वाली सुई। अभी दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो आप देखिए ये पूरा 30 होता है, 10 जा चुका है, बचा कितना? 20, और ये कितना यहां से यहां तक? 30। तो आंसर कितना आ गया? 30 और 20 30 और प्लस 20, आंसर कितना हो गया? 50 डिग्री। सवाल ओरल हो गया, कितना डिग्री हो गया? 50 डिग्री आंसर आ गया। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं ऐसे ही घड़ी के द्वारा। अब यहाँ आपके मन में एक सवाल हो सकता है कि हमें सर बार बार घड़ी बनाने की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। आप केवल उतनी ही घड़ी बनाइए, घड़ी का उतना ही पोर्शन बनाइए जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। कैसे? आगे बढ़ते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको समय दिया 3:40 का, 3:40 का समय दिया। सवाल नंबर 10, 3:40 कैसे बचते हैं? अगर मैं ध्यान से दूं तो भाई 3 ऐसे बचते हैं, यहां 12 होते हैं और यहां 3 होते हैं। 3:40 बजाने के लिए इस मिनट वाली सुई को मुझे यहां 6 होता है, 7 और 8 पे फिक्स करना पड़ेगा। मिनट वाली सुई को कहां फिक्स करना पड़ेगा? 8 पर फिक्स करना पड़ेगा। तो ये मिनट वाली सुई
12 से चल के 8 पर पहुंची है 40 मिनट में, तो घंटे वाली सुई भी 40 मिनट आगे बढ़ेगी। 40 मिनट में घंटे वाली सुई कितना डिग्री आगे बढ़ जाएगी भाई, ये 4 है और ये 5 है, तो 40 मिनट में ये यहां से 20 डिग्री ट्रेवल कर लेगी, कितना डिग्री 20, तो सुई आ जाएगी यहां पर, और जैसे यहां पर आएगी वैसे आप बीच का कोण निकाल लीजिए, ये कोण कितना डिग्री का है 30 डिग्री का, ये कितने डिग्री का है 30, ये कितना डिग्री का है 30, और ये कितना डिग्री का है 30 डिग्री का, और यहाँ रिमेनिंग कितना हो गया 20 डिग्री ट्रैवल हो गया, बचा 10 डिग्री, तो 1 2 3 4 ये हो गया 3 6 12 यानी कि 120 डिग्री प्लस 10 यानी कि 120 डिग्री प्लस 10 डिग्री, और आंसर कितना हो गया भाई 130 डिग्री कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच, कितने डिग्री का कोण बनेगा 130 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुइयों के बीच, बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 5:35, 5:35 का समय कैसे होता है घड़ी में वो आप बताइए। 5:35 का समय ऐसे होता है कि भाई अगर 5 बज रहे होते हैं तो यहाँ 6 7 5 इतनी ही सुइयों का प्रयोग है। अगर 5 बज रहे होते तो घंटे वाली सुई 5 पर होती और मिनट वाली 12 पर होती, लेकिन हमें 5:35 बजाने हैं तो मिनट वाली सुई कहाँ फिक्स हो जाएगी 7 पे आके फिक्स हो जाएगी। कितने मिनट में ये 12 से यहाँ तक आकर फिक्स हुई है 35 मिनट में, तो घंटे वाली सुई को भी, घंटे वाली सुई को भी 35 मिनट चलाओ और वो 35 मिनट में 17.5 डिग्री आगे बढ़ जाएगी, यानी कि घंटे वाली सुई 5 से 17.5 डिग्री आगे बढ़ गई, और 17.5 डिग्री का मतलब है ये पूरा टोटल 30 डिग्री होता है, तो बचा कितना 17.5 घटा दो 30 में से तो हमारे पास बटा 12.5 डिग्री, कितना बचा 12.5, और ये कितना होता है 30 डिग्री, तो कोण कितने डिग्री का बना भाई 30 प्लस 12.5 डिग्री, तो आंसर कितना आया 42.5 डिग्री आंसर, 42.5 डिग्री आंसर, बात क्लियर है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, अगला क्वेश्चन, एक फाइनल अप्रोच मैं आपको देने वाला हूं, इसके बाद तुरंत देखिए क्या होगी, बिल्कुल ओरल जवाब दोगे आप। क्वेश्चन नंबर 12, मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई 9:50 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 9:50, तो जब 9:50 होते हैं ऐसी स्थिति में केवल 10 और 9 का ही प्रयोग है, अगर करेक्ट 9 बज रहे होते तो घंटे वाली सुई 9 पर होती और मिनट वाली सुई 12 पर होती, लेकिन 9:50 है तो मिनट वाली सुई यहां पर आकर फिक्स हो गई, क्या घंटे वाली सुई 9 पर रहेगी? नहीं, मिनट वाली सुई 50 मिनट ट्रेवल करके पहुंची है, तो इसका मतलब घंटे वाली सुई भी 50 मिनट ट्रेवल करेगी, और घंटे वाली सुई 50 मिनट में कितना ट्रेवल कर लेगी 25 डिग्री ट्रेवल करेगी, तो उसे यहां से 25 डिग्री आगे बढ़ा दिया जाता है, और 25 डिग्री आगे बढ़ाने के बाद आपको पता लगता है ये 30 डिग्री का कोण था, तो 30 डिग्री में से कितना शेष बचा 5 डिग्री, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 डिग्री, कंफर्म 5 डिग्री आंसर हो गया, कितना आंसर हो गया 5 डिग्री। अब मैं आपको फाइनल अप्रोच देने वाला हूं, बिल्कुल देखिए, अब फाइनल अप्रोच, अप्रोच नंबर 3, कोई भी समय अगर आपको सुइयों की पोजीशन नहीं दर्शानी आती है तो आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हैं, और उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगा वो ध्यान रखना है। आइए देखिए, अगर मैं समय ले रहा हूं, मैंने समय लिया 2:20 का, ये मैं सवाल करवा चुका हूं फिर भी मैं ले रहा हूं, तो 2:20 पर ऑन एन आइडिया मैं ऐसे कुछ बना लेता हूं 2 3 और 4, यानी कि मैं घंटे वाली सुई को 2 पर रख देता हूं और मिनट वाली सुई को फिक्स कर देता हूं। जब 2:20 होते हैं तो मैंने एक सुई को 2 पर रख दिया और एक इसको 4 पर, अभी बताओ जब 2 पर रखा है और 4 पर रखा है तो दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कितना डिग्री है 30 और 30 60, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, कितने डिग्री का कोण बन रहा है 60 डिग्री का, लेकिन वाकई में क्या 2:20 पर घंटे वाली सुई यहां पर रहेगी? नहीं, तो हमें क्या करना है,
अगर ये जो गैप है ये सुई आगे बढ़ेगी, इसका मतलब जो गैप मैंने बनाया है वो कम होगा थोड़ा सा। क्या होगा? कम। अगर गैप कम होगा तो आप माइनस करोगे। क्या माइनस करोगे? जो भी यहां मिनट का मान दिया है उसका आधा कर दोगे। मिनट का मान क्यों? क्योंकि ये ट्रैवल करेगी घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 20 मिनट में 10 डिग्री ट्रैवल कर लेगी, तो आधा कर दो इसका और आधा माइनस करके उत्तर पा लो 10 डिग्री। अगर ये गैप किसी तरीके से बढ़ रहा होता तो हम प्लस करते, अगर गैप कम होगा, अगर गैप कम होगा तो हम कहेंगे कि माइनस कर रहे हैं। तो आंसर कितना आ गया? 50 डिग्री। एक और सवाल मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लीजिए मैं अभी आपको करके दिखाया था, जैसे 3:35 मैंने आपको करके दिखाया, तो 3:35 मैं आपको करके दिखाता हूं। 3:35 का मतलब है मैं एक घंटे वाली सुई को 3 पे मान लेता हूं और इसको 7 पे मान लेता हूं, तो 6, 5, 4 पूरा पूरा गैप ले लो, कितना कितना गैप है फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 3, 4 कितना डिग्री का गैप आ गया भाई? 4 का मतलब कितना हो गया? 1, 2, 3, 4 यानी 3 × 6 = 12, 120 डिग्री का गैप है। हकीकत में मुझे ये बताओ क्या घंटे वाली सुई यहीं पर रहेगी? नहीं। आप कहोगे सर आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब गैप कम होगा, गैप कम होगा तो माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? इसका आधा माइनस कर दो। इसका आधा कितना होगा? 17.5। इसका आधा कितना होगा? 17.5, और इसमें से माइनस करोगे तो ये आंसर आएगा 102.5 डिग्री। क्या यही उत्तर आया था हमारा 3:35 पर? बिल्कुल सर यही उत्तर आया था, बिल्कुल यही उत्तर आया था। चलिए एक और सवाल लेते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैंने आपको कराया 4:40 का, तो 4:40 पर ऑन एन एवरेज मैं वही ले लेता हूँ, 4, 5, 6, 7, 8 मिनट वाली सुई को यहाँ फिक्स कर दो और घंटे वाली सुई को यहाँ रहने दो, एच और एम। अभी कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 30, 60, 90, 120। 4:40 का मतलब है 120 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई? 120 डिग्री का कोण बन रहा है 4:40 पर। तो आप मुझे बताओ क्या घंटे वाली सुई 4:40 पर यहीं रहेगी? 4 पर नहीं रहेगी ना, आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी तो जो गैप मैंने लिया है वो कम होगा, और गैप कम होगा तो कितना कम होगा? इसका आधा कर दो और माइनस कर दो 20 डिग्री, और यहां से आंसर कितना मिल गया? 100 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें किसी को? नहीं। अगर गैप बढ़ रहा हो तो गैप कैसे बढ़ेगा? चलिए आइए देखिए गैप कैसे बढ़ेगा। और कोई सवाल देख लेते हैं हम लोग, अगला सवाल ले लेते हैं। एक सवाल मैंने ले लिया ऐसे करके कुछ, पांच बजकर 10 मिनट ले लिया मैंने, कितना ले लिया? 5:10। तो 5:10 का मतलब है, मैं एग्जैक्ट रख देता हूं, 10 का मतलब 2, 3, 4 और 5। घंटे वाली सुई को 5 पर रख देता हूं, मिनट वाली सुई को 2 पर रख देता हूं। अभी गैप कितना डिग्री का है? 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 यानी कि 90 डिग्री। 1, 30, 60, 90। तो अभी गैप 90 डिग्री है। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। कितना डिग्री है? 90 डिग्री। लेकिन क्या ये 90 डिग्री का गैप सही है? जब 5:10 हो रहे होंगे तो घंटे वाली सुई यहीं रहेगी? नहीं। पीछे जाएगी क्या? नहीं, पीछे तो जा ही नहीं सकती, तो कहां जाएगी? आगे जाएगी। आगे कितना जाएगी? इसका मतलब गैप इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? गैप बढ़ रहा है। कितना गैप बढ़ेगा? इसका आधा कर दो प्लस 5 डिग्री। जब गैप बढ़ेगा तो इसका आधा करके जोड़ दो। आंसर कितना आया? 95 डिग्री। 5:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई? 5:10 पर 95 डिग्री का कोण बनेगा। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता इस पर, इन सवालों को करने के लिए ओरल। और जब मैं आपको कोई ऐसा समय दूं आपको लगे कि दोनों सुइयां ऊपर हैं, एक दूसरे से मिल रही, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं 3:15, 3:15 ये एक ऐसा समय है जब आपको प्रतीत होता है कि दोनों सुइयां ओवरलैप कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर हैं। अगर ऐसा होता है तो उस कंडीशन में आपको केवल मिनट का ही आधा करना है। किसका आधा करना है? मिनट का ही आधा करना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 7.5 डिग्री। कितना आंसर हो जाएगा? 7.5 डिग्री। यानी कि 3:15 पर दोनों सुइयों के बीच 7.5 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे जैसे ये मैंने कहा 1:05, क्या आपको लग नहीं रहा कि 1:05 पर दोनों सुइयां लगभग मिलेंगी? मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? मिलेंगी तो बस आपको चेक करना है 1:05 पर कितने डिग्री का कोण होगा। तो मिलती है तो इसका मतलब आप कहोगे इसका आधा 2.5 डिग्री कोण। कितना डिग्री कोण हो गया? 2.5 डिग्री। कितना डिग्री का कोण हो गया भाई? 2.5 डिग्री का कोण हो चुका है ये आपके सामने। बात क्लियर है? ऐसे हम कहें जैसे 2:10, आपको लगता है ना कि 2:10 पर लगभग दोनों सुइयां मिलती होंगी, बिल्कुल लगता ही है ऐसे, लेकिन नहीं, मिलती नहीं है। इसका आधा करो, कितना डिग्री कोण आएगा? 5 डिग्री।
पांच डिग्री कोण आएगा, कितना डिग्री कोण आएगा, जैसे 945, 945 पर आपको लगता है कि दोनों सुइयां मिलेंगी, 945 पर मिलेंगी, लगभग लगता है लेकिन नहीं मिलती, इसका मतलब करेक्ट 9 बजे मिनट वाली सुई तो 45 पे फिक्स हो जाएगी लेकिन घंटे वाली सुई 9 से आगे जाएगी, और कितना आधा जाएगी भाई, 45 का आधा कर दो, 45 का आधा कितना होता है, 22.5 डिग्री होता है, 22.5 डिग्री होता है। बात क्लियर है? ऐसे एक और सवाल लेते हैं, मान लीजिए आपके सामने दे दिया 8:40, तो 8:40 पर भी आपको क्या लगता है, 8:40 पर आपको लगता है कि दोनों सुइयां आपस में मिल रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, तो कंडीशन क्या कहेगी, इसका आधा कर दो, और इसका आधा कितना आंसर हो जाएगा, 20 डिग्री, 8:40 पर 20 डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 20 डिग्री का कोण बनेगा। ऐसे ही आपको लगता है कि 10:50 पर, 10:50 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, आपको लग रहा है ना दोनों सुइयां मिलेंगी, मिलेंगी ना, लग रहा है नहीं मिलेंगी, तो डिग्री का कोण बनेगा, आधा करो, आधा करो, कितना आएगा, 25 डिग्री, कितना आएगा भाई, 25 डिग्री कोण बनेगा आंसर, कितने डिग्री कोण बनेगा, 25 डिग्री का कोण बनेगा। बात क्लियर है सबको? ठीक है, एक और देते हैं, एक और बात याद रखना आपको कि अगर गैप इंक्रीज करे तो जोड़ना है और गैप कम हो तो घटाना है, गैप कम हो तो घटाना है। फिर मैं लेता हूं आपको, जैसे मैंने बोल दिया कोई समय ले लेते हैं, लाइक मैंने बोला 2:25, 2:25, तो मैंने ऐसे लिख दिया 2, 3, 4 और 5 हो गए 2:25, ये घंटे वाली सुई, ये मिनट वाली सुई, कितने का गैप है, 1, 2, 3 90 डिग्री का, 90 डिग्री का गैप है, लेकिन एग्जैक्ट घंटे वाली सुई यहाँ होगी क्या, नहीं होगी, यानी कि आगे होगी, तो गैप कम होगा, और गैप कम होगा तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस किसका करेंगे, इसका आधा कर दो, 12.5 डिग्री, और जैसे ही मैंने 90 में से 12.5 डिग्री घटाया तो आंसर कितना आएगा भाई, हमारे पास आंसर कितना आएगा, कितना आएगा आंसर, 77.5 डिग्री आंसर, कितना आएगा, 77.5 डिग्री। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, तो आप बाकी कुछ क्वेश्चंस को करके देखिएगा, अगर कहीं पर कैलकुलेशन में एरर हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है, तो थोड़ा बारिश बाहर हो रही है काफी तेज है, और टाइम भी रात भी हो रही है, वैसे कोशिश की है कि गलती ना हो, ठीक, तो आज के इस सेशन में इतना ही, बाकी अगला वीडियो हम लेके आएंगे क्लॉक का, और उसमें हम जानेंगे कि सुइयों की विशेषताओं के बारे में, कब दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं, कब दोनों सुइयां अपने सामने होती हैं, कब दोनों सुइयां आपस में समकोण का निर्माण करती हैं, ठीक है, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।